हेलो गाइज, आज सुबह हम बात करने वाले हैं किसी लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, गॉस की परमेय चैप्टर है, उसमें पूछा जाता है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, एक सबसे पहले चित्र बना लिया हम लोगों ने। क्या ये कुछ बेलनाकार टाइप का चित्र बना हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी लंबाई एल है, यहाँ पर एक बीच में तार है। ठीक है, ये तार, इसका आवेश है प्लस यू। ठीक है, इसमें केंद्र है ओ माना। ठीक है, इससे आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी मान लिया। ठीक है, यहाँ पर दो, देखिए यहाँ पर है क्या है ये, देखिए यहाँ पर एक क्षेत्र बनना है। देखिए क्या डी ए, और यहाँ पर देखिए इसका जो मतलब क्षेत्रफल है वो है डी ए, और यहाँ पर ये देखिए ये हमारा छोर है बिंदु, यानी कि डी ए और ई वेक्टर, ये एक दूसरे के लंबवत यानी कि समकोण में है, इसीलिए लंबवत है। ठीक है, तब क्या है लिखेंगे हम लोग, जो हमने बनाया वही यहाँ पर लिखेंगे। लिखा है माना एक अनंत लंबाई का तार जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, इससे आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है, आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए ओ को केंद्र मानकर ठीक है एक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, एक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, जिसके किनारों पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। देखिए ये है, ठीक है, डी ए और ई वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, जबकि इसकी अक्ष पर दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, निकालेंगे हम लोग विद्युत फ्लक्स के लिए क्या लिखते हैं, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डॉट उठाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, डी फाई ई बराबर, तब डी फाई ई बराबर ई डी ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, फाई ई बराबर ई ए, क्योंकि डी एक छोटे से भाग के लिए है। ठीक है, और जो पूरे भाग के लिए होगा वो ए हो जाए खाली। ठीक है, चूँकि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, चूँकि ए बराबर 2 पाई आर एल, इसकी जगह जो है ना हम लोग देखिए ये है, और इसकी जगह पे ये रख देंगे और इसकी जगह पे ये रख देंगे, तो आ जाएगा फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इसे हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं इसे, बराबर में ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, ए बराबर बना अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर एल। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्यूशन करा तो हमारा ये फाइनल इंप्रूवमेंट मिला। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें रख देंगे हम लोग, चूँकि रेखीय पृष्ठ घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तब क्या करेंगे ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 जो क्यू अपॉन एल, देखिए ये क्यू अपॉन एल है, इसके ऊपर रख देंगे लैम्डा अपॉन आर आ गया। ठीक है, वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अपना नाम भूलिएगा, विद क्या करना आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर वीडियो का हमारा जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे।